तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस ये है मेरी न्यू SMP। कैसी लगी? और यहाँ पर गाइस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा स्कोर बोर्ड। तो गाइस पूरी वीडियो देखते देखिएगा ही, क्योंकि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस SMP को खेलिए भाई, बहुत मस्त SMP है। बाकी SMP से भी ना एकदम बेस्ट है ये, बेस्ट सुपर डुपर है। तो गाइस मैं भाई यहाँ पर नहीं हूँ, और गाइस आपको IP पर मैं दूंगा और कुछ एक्सेस भी दूंगा स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। बहुत अच्छी SMP है भाई, एकदम देखने के देखते रहा रह जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको रैंक का मिल जाएगा, आपको लैंड क्लाइम भी मिल जाएगा भाई। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई किसी भी वर्जन से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस गैस एक दो वर्जन है जो कि जिससे आप नहीं ज्वाइन कर सकते। अभी 5.20 गैस में इस पर लॉन्च करेंगे, जब 8 और 9 पर वो वर्जन अवेलेबल होगा। अभी नहीं है वो वर्जन। तो गैस एकदम मस्त है SMP। मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत पेड़ को माइन कर लेते हैं। और गैस यहाँ पर रूल्स भी होते हैं, बिना रूल्स के गैस आप स्लैश से मैसेज कुछ भी नहीं कर सकते। आपको रूल्स एक्सपेक्ट करने ही पड़ेंगे। हम गाइस आपको कैसे करना बता देता हूँ। आपको यहाँ पर स्लैश रूल्स लिखना है। अब गाइस यहाँ पर रूल आ जाएगा, रिस्पेक्ट अदर प्लेयर, रिस्पेक्ट स्टाफ, डोंट स्वेयर। और गाइस उसके बाद ना यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट रूल्स लिख देना है। यहाँ पर आप हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी करके रखा है। फिर आप यहाँ पर कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, चाहे जो चाहिए, है ना। और गाइस यहाँ पर एंटी बैंड थे, तो आप एक्सरे यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए गाइस आप कोई मोड, कोई रिसोर्स पैक नहीं यूज़ कर सकते। जैसे गाइस आप कोई 3D या फिर शेडर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें नहीं कि आप जिससे आप चीटिंग कर सकें, नहीं तो गाइस आप बैन भी हो जाएंगे, हो सकते हैं, मतलब उतना भी वो नहीं है। यहाँ पर क्लाइम, सॉरी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर ये देखिए आपके लिए यहाँ पर छोटा सा आपको यहाँ पर लैंड मिल चुका है। आप इसके अंदर जो भी करिए, आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर आप PvP भी कोई प्लेयर नहीं कर सकता। अगर आपको बड़ा लैंड चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको एक गोल्डन शवल से अपना एरिया चूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से मैं लेता हूँ उधर तक, यहाँ तक, तो क्या होगा, सिंपल सा भाई, सिंपल अंडा ही। यहाँ से वहाँ तक आपको पूरा लैंड क्लाइम हो जाएगा। और गाइस ये मत सोचिए ये रियल गोल्ड लगा है, एक नकली गोल्ड है ये कुछ। गाइस यहाँ पर आपको एटम मॉस सर्च कर लेना है। तो गाइस मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर आपको एटम मॉस सर्च करना है। और यहाँ पर सबसे ऊपर एक एटम मॉस लिखा हुआ, तो यहाँ पर आ जाएंगे आप। नीचे ये लैंग्वेज वाला हटा दीजिएगा, यहाँ प्ले आएगा। तो यहाँ पर गाइस ना बहुत सारी SMP हैं। तो जब आप प्ले पर दबाएंगे ना, आपको लॉगिन के लिए आएगा। उसको आपको करना है लॉगिन को, है ना। अगर आपको नहीं आता तो आपके घर में भैया लोग बहुत होंगे, तो होंगे भैया लोग, तो आप उनसे करवा लीजिएगा। उसके बाद जब हो जाएगा तो यहाँ पर फिर ऊपर एकदम एटर्नोस के बाद बाय एटर्नोस ये सब लिखा है। उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद 3 डॉट बना है, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको अकाउंट्स में जाना है। मैं फिर बता देता हूँ आपको, एटर्नोस ऊपर एकदम दिख रहा होगा, और उसके बगल में एक और है, इसके बगल में क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर
थ्री डॉट दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपका यूज़र नेम दिख जाएगा है ना, यूज़र नेम आपको दिख जाएगा और यहाँ यूज़र नेम को आपको ऐसे जिस पर क्लिक करके कॉपी करना है और जब कॉपी हो जाए आपको कमेंट पर वो यूज़र नेम डाल देना है जिसकी मदद से मैं आपको एक्सेस देता हूँ। देखें मैं एक्सेस कैसे दूँगा, अब यहाँ पर मैं आपको सर्वर में चले जाऊँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैं एक्सेस में जाऊँगा और आपका नाम दूँगा और आपको स्टार्ट का एक्सेस दे दूँगा। जैसे मेरे अपना नाम डाल लिया, मुझे तो ऑलरेडी एक्सेस है जिससे हो जाएगा, मुझे तो मैं तो मेरा ही सर है भाई क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद खास आप यहाँ पर को स्टार्ट कैसे करना है, पहले तो मैं सर्वर को ऑफ करता हूँ है ना, और सब कुछ जब हो जाएगा सब कुछ एकदम वो कर दीजिएगा, टर्न ऑफ पूरा रीस्टार्ट कर दीजिएगा रिफ्रेश। अब यहाँ पर आपको प्ले पे आना है और यहाँ पर आपको फिर से प्ले दबाना है और ये देखिएगा मेरा सर्वर है अभी स्टॉप हो रहा है, इसे स्टॉप होने देते हैं। ऑन मतलब स्टॉप हो ही रहा है, अब सेविंग आ रही है, जल्दी स्टॉप हो जाएगा, ये देखिएगा स्टॉप हो गया। मैं इसको फिर से करता हूँ, इधर गई थी कुछ प्रॉब्लम ग्लिच और उसके बाद गए जैसे मेरे सर्वर पे क्लिक करेंगे सर्वाइवल सिम्युलेटर 2.eternos.me, उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट कर लेना है। अभी स्टार्टिंग का तो सब हो चुका है, यहाँ पर सबको मतलब कहीं नहीं जाना, यहाँ मैं आपको आईपी दिखा देता हूँ। अरे कहाँ चला गया, हाँ तो अगर आपको आईपी देखना है तो आप कनेक्ट में भी जा सकते हैं है ना। अब गए मैंने ना जो सेलेक्ट किया है अभी है ना, ये तो सेलेक्ट किया है, इसको आपको आईपी एड्रेस में नहीं डालना, आपको ये वाला 5674 567 42 डालना है और वाइज आई पी है सर्वाइवल सिम्युलेटर 2.eternos.me। अब वाइज ये आपको यहाँ पर कैपिटल स्मॉल का सबको ध्यान रखना है, सिम्युलेटर पूरा कैपिटल है, सर्वाइवल में सिर्फ एस कैपिटल और डॉट के बाद जो भी है वो सब स्मॉल लेटर में है, यहाँ पर ओके दबा दीजिएगा और ये देखिएगा हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। तो भाई आप उसमें माइनक्राफ्ट खोल के या आईपी सब कुछ डाल दीजिएगा, उसके बाद गए सब रिफ्रेश करके मोर। आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और गए सब्सक्राइब भूलिएगा मत भाई, ये सब मैं आपके लिए ही करता हूँ। तो बस मस्त खेलेगा सर्वर और इन्जॉय करेगा, कोई चीटिंग भी करता है तो भाई मुझे बोल देते मैं बैन उसे कर दूँगा। सब्सक्राइब मत करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, पूरी वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में स्टेप बाय स्टेप समझा दूँगा। तो आईपी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो बाय।